हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। बहुत बड़ा डाउट यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स के बीच, जिनका नया एडमिशन होना है, उस डाउट को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यहाँ देखिए, आ गए हैं हम एक देखिए हम आए हैं CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो है CUET.samar.ac.in, जिस पे हम देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ देखिए, पहले सेक्शन में हमें डिग्री बताया जाएगा, उसके बाद कोर्स ऑफर्ड, ओके, और फिर उसके बाद हमें बताया जाएगा डोमेन सब्जेक्ट का ऑप्शन, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या है, देन उसके बाद उसका रिमार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली जो हमें डिग्री दी गई है वो है हमारी BA डिग्री, के बारे में बताया गया है। तो देखिए, BA डिग्री में हमारे पास क्या था कि हमारे पास 7 डोमेन सब्जेक्ट की चॉइस थी, जिसमें से हमें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी करने थे। देखिए यहाँ देखिए दिया गया है BA में, देखिए आप कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो ये था देखिए अरेबिक एंथ्रोपोलॉजी, एंशियंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडी, इंग्लिश लिटरेचर, एंड देखिए ये बाकी नीचे आपको लिस्ट दी गई है, देख सकते हैं आप यहाँ। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये देखिए, हमें जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है यहाँ देखिए, इसमें हमें बताया गया था सेक्शन 1 में हमें क्या था, मिनिमम एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना था, या इंग्लिश या हिंदी, हमको यहाँ एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना था, जिसका हमारा वेटेज कितना था, 200 मार्क्स था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है उसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन है, जो कि हमारे डोमेन सब्जेक्ट का है। तो देखिए BA के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को कंपलसरी बताया गया है कि हमें यहाँ से क्या करना है। देखो, कंपलसरी टू अपियर इन एटलीस्ट 2 डोमेन फ्रॉम द डोमेन लिस्ट, कि जो कैंडिडेट है उसको उसके लिए क्या कंपलसरी था यूनिवर्सिटी में, कि उसको इन 8ों सब्जेक्ट की लिस्ट में से उसको कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट उसके पास डोमेन एज अ डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए थे। तो देखिए डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ BA वालों के लिए क्या थी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, ये 8 सब्जेक्ट आपके थे BA वालों के लिए। इन 8 सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स का डोमेन आपने टेस्ट दो दो सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना पड़ेगा इसके लिए। मतलब आपने इन 8ों सब्जेक्ट में अगर किसी 2 सब्जेक्ट का पेपर दिया है, किसी 2 डोमेन्स का एग्जाम दिया है, तभी आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये था हमारा डोमेन से रिलेटेड डाउट। थर्ड सेक्शन जो आ जाता है कि हमारा जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट देखिए, हमारे हर सब्जेक्ट हर कोर्स में हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंपलसरी रखा गया है जनरल टेस्ट। एंड जो हमारा लैंग्वेज सेक्शन है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना था। ठीक है, और अब चलिए BA वाले का, मुझे लगता है आपको BA का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, BA में उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी सब्जेक्ट्स को लेकर, दिक्कत आ रही थी हमको BSc मैथ्स एंड BSc बायो को लेकर। तो बात करते हैं BSc मैथ्स वालों की। तो देखिए BSc मैथ्स में क्या क्या कोर्सेज ऑफर्ड करते हैं ये, मैथ्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड ज्योग्राफी, ये सारे कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो इस कोर्स में अपियर होने के लिए या इस कोर्स में आपको एडमिशन लेने के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया था वो क्या था, देखिए मैंने बता दिया है कि लैंग्वेज हर जगह आपकी कंपलसरी है, ये देख सकते हैं, इसमें से आपको कोई ना कोई इंग्लिश और हिंदी में से कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और जनरल टेस्ट आपका हर कोर्स के लिए यहाँ कंपलसरी था। अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो आप जनरल टेस्ट पे नो करके उसके उसके बाद आगे कर सकते हैं। बाकी जो आपने डोमेन का टेस्ट दिया है और साथ में जो आपने लैंग्वेज का टेस्ट दिया है उसको आप फिल करेंगे और उसके मार्क्स वहाँ फिल करेंगे, तो जो आपका NTA का टोटल नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वहाँ अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका टोटल स्कोर दे देगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ अब मेनली बात करेंगे अब यहाँ डोमेन सब्जेक्ट की फॉर पर्टिकुलर कोर्सेज। ठीक है, अब देखिए डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ BSc मैथ में क्या कंपलसरी किया गया है,
हमें देखिए यहाँ तीन सब्जेक्ट दिए गए हैं डोमेन सब्जेक्ट में. क्या था हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस. ये तीन सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं. इन तीन सब्जेक्ट में से हमें क्या दिया गया है, कंपल्सरी. देखिए इट इज़ कंपल्सरी टू सिलेक्ट एनी टू फ्रॉम द थ्री ऑप्शंस इन द डोमेन. अगर आपने इन तीन सब्जेक्ट में से कोई दो दो सब्जेक्ट का पेपर दिया होगा, दो सब्जेक्ट दो डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा पहले, तब आप दोनों सब्जेक्ट को फिल करेंगे. बहुत से बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि हमने तो दूसरे सब्जेक्ट का फिल किया है, वो ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है उसमें. जैसे ऑप्शन सिर्फ आपको यहाँ क्या मिलेंगे, जब आप बीएससी मैथ्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको क्या ऑप्शन सामने मिलेंगे, उसमें डोमेन सब्जेक्ट में, डोमेन सब्जेक्ट वन और डोमेन सब्जेक्ट टू में आपको मिलेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस के सिर्फ तीन, यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे. यही तीन ऑप्शन आपको इसलिए देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि ये ऑप्शन ये सब्जेक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कंपलसरी किए थे. अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी दो का पेपर दिया है तो आप दोनों डोमेन सब्जेक्ट अपने फिल कर सकते हैं, डोमेन सब्जेक्ट वन डोमेन सब्जेक्ट टू. अगर आपने किसी एक का भी पेपर दिया है तो डोमेन सब्जेक्ट वन में उसको फिल करके आप क्या करेंगे, डोमेन सब्जेक्ट टू में नन का ऑप्शन को क्लिक करके नीचे उसका स्कोर 0 रहने देंगे. उसके बाद आपको आपका टोटल स्कोर अपने आप शो कर देगा. एनटीए जो था उसमें नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा था, वो आपका ऑटोमेटिकली वहाँ शो होने लगेगा अगर आपने एक का भी एग्जाम दिया है. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम बीएससी बायो के लिए, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट का था. बीएससी बायो में देखिए क्या बताया गया है. देखिए डोमेन सब्जेक्ट का ये है हमारा सेक्शन, सेक्शन सेकंड हमारा जो था वो डोमेन सब्जेक्ट का था. बीएससी बायो वालों के लिए देखिए जो कंपलसरी एयू ने किया था, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बोथ सब्जेक्ट आर कंपलसरी. तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी थे, इसलिए सिर्फ जो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब आपका सिर्फ यही दो ऑप्शंस शो कर रहा होगा, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. तो यही दोनों सब्जेक्ट आपके कंपलसरी थे, इसलिए यही दो सब्जेक्ट आपको शो कर रहा है. तो अगर आपने इन दोनों में से अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो आप डोमेन सब्जेक्ट वन और डोमेन सब्जेक्ट टू में दोनों को फिल करेंगे. अदरवाइज अगर आपने एक का भी एग्जाम दिया है तो आप डोमेन सब्जेक्ट वन में उसको सिलेक्ट करके डोमेन सब्जेक्ट टू में नन करके ऑप्शन छोड़ देंगे और फिर जो आपका स्कोर बनेगा, टोटल स्कोर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी आपका एडमिशन होगा. ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि हर आप कोर्सेज अलग अलग ऑप्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या होगा, एकदम अलग अलग होगा. तो यही था हमारी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया. ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के बारे में. तो यहाँ देखिए बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस जब आप कोर्स ऑफर्ड में क्लिक करेंगे या कोर्स ऑप्टेड में जब आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए दिखाया जाएगा डोमेन सब्जेक्ट के लिए. जब आप क्लिक करने के लिए जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही डोमेन सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा जो कि है आपका डोमेन सब्जेक्ट, देखिए जो कि है आपका होम साइंस, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने होम साइंस को कंपलसरी किया था एज अ डोमेन फॉर बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, या फिर हम कह सकते हैं होम साइंस के लिए. ठीक है, तो इसके लिए आपका डोमेन सब्जेक्ट आपका होम साइंस कंपलसरी होना चाहिए. अगर आपने होम साइंस का पेपर नहीं दिया है तो डोमेन सब्जेक्ट को नन पे क्लिक करके उसके बाद आगे आप अपना जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का सेक्शन, लैंग्वेज सेक्शन को क्लिक करके उसके मार्क्स को फिल करके फिर आप अपना टोटल स्कोर देख सकते हैं कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका स्कोर कितना रहा है. ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपना बीकॉम के लिए. ठीक है, जब आप बीकॉम कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी बुक सॉरी अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग यही एक ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन दे रहा होगा या और उसके नीचे लिख देंगे नन. ठीक है, तो ये क्योंकि ये एक सब्जेक्ट इसलिए दे रहा है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इसलिए वहाँ शो कर रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सब्जेक्ट कंपलसरी था. अगर आपने इसका पेपर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, नन पे क्लिक करेंगे. ठीक है, और स्कोर का ऑप्शन छोड़ देंगे. जैसे ही अगर आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने दिया है तो यस पे क्लिक करेंगे, नीचे आपके लिए एक नया ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा है. तो आप स्कोर को फिल करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो टोटल स्कोर है नॉर्मलाइज स्कोर वो वहाँ शो होने लगेगा. बात कर लेते हैं अब बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की, यानी कि बीपीए की. तो बीपीए में आपका देखिए कौन सा डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी था हमारी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग.
तो आपका था क्या था कंपलसरी, परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक जनरल, ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी था जो कि आपको देना था अगर आपको इसमें एडमिशन अच्छे अगर आपको इसमें एडमिशन अच्छी या फिर मेन कैंपस में लेना था तो आप इस चीज़ में आपको टेस्ट देना चाहिए था, ठीक है। अगर आपने इसका टेस्ट दिया है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं कि आप नो पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आगे के ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। बात करें अगर BFA की, मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, तो इसमें भी देखिए जब आप कोर्स ऑप्टेड में क्लिक करेंगे और BFA को सिलेक्ट करेंगे जब आप, तब आप देखेंगे डोमेन सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन सामने दिख रहा है जो कि है आपका फाइन आर्ट्स का एंड विजुअल आर्ट्स का, तो ये ऑप्शन साथ ही में आपको देखने मिलेगा जो कि है फाइन आर्ट्स का, क्योंकि ये सब्जेक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी किया था अपने कैंडिडेट्स का एडमिशन लेने के लिए। तो यही चीज़ थी कि आप लोगों को यही दिक्कत आ रही थी कि क्यों, जैसे मैंने तो इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो सिर्फ ये तीन क्यों चीज़ें शो कर रही हैं, ये तीन सब्जेक्ट, जैसे मोस्टली बच्चों को आ रही थी BCom, BSc मैथ एंड BSc बायो वाले बच्चों को दिक्कत ज़्यादा आ रही थी कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ क्यों, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देखिए जो BSc मैथ वाले थे तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, साइंस ही क्यों जनरल, कंप्यूटर साइंस ही क्यों डोमेन सब्जेक्ट में शो कर रहा है, वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको कंपलसरी किया गया था। अगर आपने इसका टेस्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने स्कोर देख सकते हैं, अगर आपने उसमें से एक भी फिल किया है सब्जेक्ट या फिर आपने एक भी सब्जेक्ट का पेपर किया है तो आप उस सिंगल सब्जेक्ट को फिल करके देन उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट यही हो जाएगा कि आपका जो नेट मार्क्स हो जाएंगे NTA के अकॉर्डिंग, जो आपका टोटल नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा वो यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका लो हो जाएगा एज कम्पेयर टू जितना आपने स्कोर किया है, ठीक है। तो आई होप मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ डोमेन से रिलेटेड इस वीडियो में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे, ऐसी और वीडियो मैं यहाँ लाती रहूँगी। थैंक यू।